رفض عشقا فأتيت إلى حبيبي فهد يا قلب ظريفا سل يا آتا محمد السلام عليك يا يا رسول الله अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त जो नए हैं मेरे चैनल पे उनको वार्मली वेलकम। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो उनका दिल से शुक्रिया शुक्रिया। और जिन जिन लोगों ने नहीं करे ना प्लीज़ कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो आज जुमा का दिन है और बकरीद का पहला दिन भी है, मतलब चांद की पहली तारीख है बकरीद की। तो कल ना कल रात को मैं बहुत सारे बयान सुनी हूँ। बयान में कौन आ गए तो ना ये आखिरी के जो 10 दिन है ना ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत ज्यादा नहीं था। अच्छा यहाँ पे देखिए आप लोग, मैं मास्क लगा के बात कर रही ना तो कौन इनको क्या समझ में आ रहा मालूम नहीं, रो रहे उन्हों तो फिर मैं मास्क निकाल दी। सलाम कर दो। अच्छा सलाम करो बेटे। नगर करी वाले करते नगर करते नगर करते कौन से नगर कर रहे कौन से नगर कर कौन से मास्क हम पहन रहे तो आप क्यों निकाल रहे? क्यों निकाल रहे मास्क? क्यों निकाल रहे? क्यों निकाल रहे मास्क? क्यों निकाल रहे? करते आप करते आप मम्मा को सताते मम्मा को सताते आप सताते मम्मा को सताते आप। अच्छा तो गाइस नॉर्मली मैं बात कर रही थी आप लोगों से तो ना बिल्कुल भी कोनो बात करने नहीं दे रहे थे, इसलिए सोची कि काम करते करते ना मैं वॉइस ओवर कर दूं ताकि आप लोगों से मेरी बात भी हो जाए। तो ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह आए थे वीकली तो मैं इसको अरेंज कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो मैं यही बोल रही थी कि बकरीद के ये जो शुरू के 10 दिन है ना ये बहुत ज़्यादा अज़ीज़ है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जितना रमज़ान करीम के आखिरी आश्रय को हम इम्पोर्टेंस देते हैं ना उससे भी कई ज़्यादा ये फजीलतों वाले दिना हैं। तो बस यही सोची कि मैं ना ये 10 दिन के रोज़े रह लूँ और ये फर्स्ट टाइम है जो मैं पहली दफ़ा है जो मैं बकरीद के रोज़े रहने की नीयत करी हूँ पूरे 10 रोज़े रहने की। तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि मैं आगे भी रहूँ। आज का रोज़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है और उसके अलावा मैं फरहाद हाशमी का रात में ये भी बयान सुनी हूँ कि रमज़ान में लेडीज़ के जो कोई भी रोज़े छूट जाते हैं उसकी हम ख़ज़ा कर लेना रहता है, राइट? आने वाले साल आने से पहले ना हमको ख़ज़ा कर लेने का रहता। तो शवाल में मैं पूरी कोशिश करी, नहीं हुआ। इवन मैं मंडे मंडे रहेंगे या फिर जुमेरा जुमेरा रह के ना ख़ज़ा पूरी कर लेना सोच रही थी लेकिन हो रहा ही नहीं था बिल्कुल। फिर प्लान बना और अचानक से मैं रहने के लिए डिसाइड हो गई हूँ। तो उसमें यह है कि ना हम ये ख़ज़ा रोज़े अगर नियत कर लेते हैं ना तो रमज़ान के ख़ज़ा भी हो जाएंगी और बकरीद का भी सवाब मिल जाएगा, तो बोनस हो गया ना ये तो डबल, मतलब एक रोज़ा रह रहे और दोनों वक्त का ना हमारा क्या कहते हैं सवाब मिल रहा है। तो बस यही सोच के ना मैं इरादा कर ली हूँ कि मैं इंशाल्लाह 10 रोज़े रह जाऊँ, तो देखते हैं इंशाल्लाह हो जाएगा, आई होप सो। और उसके अलावा ना मेरे अकेले का रोज़ा है तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं कोई भी फ्राइड आइटम्स या स्वीट आइटम्स नहीं खाऊँगी ये 10 दिन में, बिल्कुल हेल्दी हेल्दी खाना खाऊँगी और ऑयल फ्री पूरी कोशिश करके ना वैसे ही खाने खाऊँगी। और आप में से कोई है मेरे साथ देने वाले जिसको लूज़ करना है वेट तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। और आप लोगों को मैं ऐसी रेसिपी दूंगी इंशाल्लाह कि वो टेस्टी भी रहे और आपका वेट गेन होने से रुक जाए या फिर वो खाना खाने से ना आपका जो वेट है ना उस पर ही मेंटेन रहे, आपका वेट लूज हो। तो बस यही है इरादा और प्लान, देखते हैं क्या क्या होता है। वालेकुम सलाम। कैमरा छोड़ो बेटे वहां से हटो, आप शेक कर रहे मम्मा आप प्लीज कौन हूँ।
प्लीज डोंट डू दिस। प्लीज मम्मा। ओके बाबा। हाँ ओके थैंक यू। ओके बाबा। थैंक यू। ओके बाबा। ओके बाबा। ओके बोल के फिर आप जा रहे कैमरे के पास। ओके बाबा। थैंक यू गार्नियर, यू आर सो स्वीट। ए फॉर, ए फॉर अबे, बी फॉर boy, C for cat, D for dog, E for apple, F for कोनू। आपका फेस बताओ जर, चॉकलेट खा के क्या कर रहे हैं आप? कोनू विच कलर इज दिस? ग्रीन मेरा बच्चा। ओके टेल मी विच कलर इज दिस? रेड। ओके ओके टेल मी दिस कलर? ब्लैक। ओके टेल मी दिस कलर? पिंक। ओहो मेरा बच्चा लगता कौन इन स्टिकी स्टिकी रहता है। अच्छा देखो आप मत की कैसे छी 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 छोड़ो 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 छोड़ो। चलो हम अपन बनाएंगे इसको, कुक करेंगे कुक करेंगे कुक करेंगे। कुक करने के बाद यम्मी यम्मी। देखो आप क्या करे, देखो यहाँ गर्दन पे भी लगा लिए, नीचे ऊपर उठाओ आप गले के पास देखो। अच्छा तो गैस मैं किचन में आ गई हूँ और बहुत ही हेल्दी किस्म की टेस्टी चटपटी सी मैं यहाँ पे भिंडी फ्राई बना रही हूँ थोड़ा डिफरेंट वे में। तो ऑयल मैं बिल्कुल एक टेबल स्पून ही ली हूँ और इसमें मैं ये डाल दी हूँ ज़ीरा और साथ में ये डाल दी हूँ हल्दी। हल्दी डालने के बाद ना मैं एक बड़ा साइज़ का ऑनियन था तो मैं इसको ना इस तरीके से स्लाइसेस में कट कर लिया और थोड़ा सा हल्का सा हम ना ये सौते होने देंगे, थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे ऑनियन को। उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटर। ये तो टमाटो भी मैं मीडियम साइज़ के थे तो ना दो डाल दी हूँ इसमें स्लाइसेस में इस तरीके से कट करके। तो आपको बिल्कुल भी अब मिक्स करना नहीं है। इसमें हम डाल देंगे नमक और लाल मिर्ची डाल देंगे इसमें, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के ना हम लिड क्लोज़ करके इसे 5 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। और हाँ फ्लेम को आप ना स्लो ही रखिएगा, फुल फ्लेम मत कीजिएगा वरना ना ढक्कन ढापने से फिर वो नीचे फुल फ्लेम रहने से ना जल भी सकता है। तो देखिए मैं 5 मिनट्स के लिए ना इसको ढककर ऐसे ही कुक करी थी स्लो फ्लेम पे। तो टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं तो बस इसे थोड़ा सा मैं ना इस तरीके से स्मैश कर लूँगी चम्मच की हेल्प से। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये भिंडी। तो ये भिंडी तकरीबन ना 250 ग्राम है और ये भिंडी इतनी हेल्प करती है वेट लॉस होने में। इवन हमारा हीमोग्लोबिन लेवल कम है ना तो भिंडी खाने से अच्छा होगा और इससे इम्यूनिटी भी अच्छी मिलती है। तो बस वेट लॉस के अगर प्लान में है तो भिंडी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू लूज़ वेट। तो बस इसे हम इस तरीके से अगर भिंडी खाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो देखिए ढककर मैं इसे ना तकरीबन 8 मिनट तक पकाई हूँ। उसके बाद वो स्टिकीनेस जो भी है ना वो चले गया था भिंडी के अंदर का। उसके बाद इसमें मैं ये डाल दी हूँ मैगी गरम मसाला, सॉरी मैगी मसाला है गरम मसाला नहीं, मैगी मसाला डाल दी हूँ। और ना अगर आपके पास मैगी मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हो। बस इसे हम मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा कोथमीर था तो वो मैं इसके ऊपर डाल दी हूँ और एक पूरा लेमन स्क्वीज़ करके इसमें डाल दी हूँ। तो इससे बहुत ही अच्छा चटपटा सा फ्लेवर आ रहा है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ऑयल सिर्फ मैं 1 टेबल स्पून ही यूज़ कर रही हूँ, आप भी उतना यूज़ करिए। अच्छा तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैलेंज की तरफ जो कि ना ग्लास स्किन, मतलब समझ रहे हो ना एकदम स्किन आपका इतना सॉफ्ट होगा। 7 डेज का चैलेंज है ये, चैनल भी मेरा यही रहेगा, मैं भी यही रहूँगी। आप लोग अगर 7 डेज करने के बाद रिजल्ट नहीं आएगा ना तो ज़रूर आप लोग मुझे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पे भी आकर आप पूछ सकते हो, इवन चैनल पे भी आप लोग पूछ सकते हो। मैं 100% आप लोगों से कह रही हूँ कि ये रिज़ल्ट गारंटीड है। तो आप लोग ज़रूर इस रेमेडी को ट्राई कीजिएगा। मैं इसमें ना 2 टेबल स्पून दही का ली हूँ, दही थिक होना चाहिए। और उसके अंदर मैं डाल दी हूँ 1 टेबल स्पून शहद का और 1 पिंच हल्दी डाल दी हूँ
और 1.5 टेबल स्पून बेसन डाली हूँ। तो ये चारों इंग्रेडिएंट्स को डाल के ना हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। लम्स बिल्कुल भी नहीं होना, जब आप स्पून से उठाओगे ना तो ये स्मूथली रिटर्न बॉल में स्लिप होना चाहिए। तो बस उतनी अच्छी तरीके से आप इसे मिक्स कीजिएगा। तो बस उसके बाद हमारा ये गोल्डन फेस मास्क रेडी है बिल्कुल लगाने के लिए। तो लगाने से पहले ना आप बालों को अच्छी तरीके से टाई कर लीजिएगा और फेस पे किसी भी तरीके का मेकअप नहीं होना चाहिए। आप अच्छे से मेकअप को डीप क्लीन कर लीजिएगा फेस, उसके बाद आप इस मास्क को लगाइएगा इवन। और हाँ, आई एरिया को छोड़ दीजिएगा क्योंकि वहाँ का स्किन ना बहुत ज़्यादा थिन होता है, तो फिर सेंसिटिव एरिया भी है वो, तो इसलिए आई एरिया को छोड़ दीजिएगा। अगर आपको लगाना ही है तो आप बस 2 मिनट के लिए, वॉश करने से पहले 2 मिनट पहले लगाइएगा और फिर आप वॉश कर दीजिएगा। और हाँ, नेक लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि ना फेस पे हम लगा लेते हैं तो फिर नेक हमारा ना डल दिखने लगता है, तो फिर इससे स्किन अनइवन दिखने लगता है। तो इसलिए फेस को जब भी आप कुछ लगा रहे हो तो नेक लगाना कंपलसरी है, ताकि किसी को कुछ पता नहीं चले कि ना आप कुछ लगाए हुए हैं आपके फेस पे। तो बस इसलिए आप फेस पे, इवन आप चाह रहे हो तो बॉडी पे भी लगा सकते हो, हाथों पे भी लगा सकते हो, जहाँ पे विजिबल एरिया है वहाँ पे भी आप लगा सकते हो। 15-20 मिनट के बाद इसे वॉश कर दीजिएगा, आपका एकदम ग्लोइंग और ग्लास स्किन बनके रेडी हो जाएगा। अच्छा, तो इफ्तार का वक्त हो गया था तो मैं किचन में आ गई थी और मैं यहाँ पे बना रही हूँ बहुत ही हेल्दी किस्म का ना सैलेड, और ये बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग भी होता है। तो मैं बेबी कैरेट ले ली हूँ छोटा सा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्वीट अच्छा होता है हेल्थ के लिए, वो ले ली हूँ, और कुकुम्बर ले ली हूँ, और साथ में मैं एक ले ली हूँ टमाटर। और ये तीनों ही चीज़ों को ना मैं इस तरीके से छोटा छोटा चॉप कर लूँगी, और उसके साथ साथ कोथमीर भी मैं कट करके रख लिए हूँ थोड़ा सा। और साथ में ये जो स्वीट कॉर्न है ना, ये आजकल मार्केट में बहुत अच्छे आए हुए है, सीज़न चल रहा है इसका, तो इसको ना कट करके मैं बॉईल कर ली हूँ नमक के पानी में, और इसका छान के इसको स्टोर करके रख ली हूँ बॉक्स में इस तरीके से, तो ये अच्छे से रह जाता है। और मेरे पास बटर नहीं था, अगर आपके पास बटर हो तो आप बटर से ही इसे बनाइएगा। तो बटर नहीं था तो इसलिए मैं इसमें घी डाल दी हूँ बिल्कुल थोड़ा सा, 1/2 टेबल स्पून के बराबर। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे ये स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न डालने के बाद ना इसमें हम थोड़े सीजनिंग्स डाल देंगे, नमक डाल दी हूँ यहाँ पे, और थोड़ा सा लाल मिर्च डाल देंगे, और साथ में थोड़ा डाल देंगे इसमें चाट मसाला। फिर इसे हम थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल हल्का सा, 1 मिनट के लिए एनफ है। और उसके बाद हम जितने भी वेजिटेबल्स कट करके रखे थे ना, वो सारे ही इसमें ऐड कर देंगे। और फिर ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके ना एक बाउल में निकाल लेंगे, और ऊपर से थोड़ा सा मैं कोथमीर डाल दी हूँ, एंड दैट्स इट। बस इसमें ना कट करना है और मिक्स करना है, यही काम है। और थोड़ा सा मैं लेमन भी डाल दी हूँ इसके ऊपर से। और अब हम रेडी कर लेते हैं हमारा ये हाइड्रेटिंग वाटर, जो कि बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखता है बॉडी को। सब्ज़ा सीड्स ले ली हूँ, या फिर बेसल सीड्स भी बोलते हैं इसको। तो इफ्तार से 10 मिनट पहले मैं इसको ना भिगा ली थी, और थोड़ा सा मतलब 1/2 टेबल स्पून इसमें, 1/2 टेबल स्पून है उससे थोड़ा और कम ही मैं इसमें डाल दी हूँ, और पानी डाल दिया, और इसमें ये डाल देंगे एक छोटा आधा ना लेमन, ताकि हमारी बॉडी को ना अच्छे से डिटॉक्स करेगा ये, क्योंकि सारा दिन पेट खाली था ना, तो हम जब लेमन स्क्वीज़ कर देंगे और इस तरीके का पानी पीएंगे ना, जो सब्ज़ा सीड है ना वो अच्छे से होल्ड करता है वाटर को, तो हम पीएंगे तो फिर बॉडी भी बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रहेंगी। तो बस हमारा ये इफ्तार रेडी है, और एक खजूर ले ली हूँ साथ में, आप चाहो तो 2 खजूर भी ले सकते हो। तो ये एकदम हेल्दी किस्म का इफ्तार है, और वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है, और देखने में आप देखिए कितना ज़बरदस्त है, और यकीनन टेस्ट भी इसका बहुत ही लाजवाब बढ़िया है। एक बार ट्राई कीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग मुझे बताइएगा। ये देखिए सैलड थोड़ा बच गया है, इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर से खा लेती हूँ उसको।
इफ्तार के बाद चाय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चाय की जगह पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, तो चाय मैं यहाँ पे बना रही हूँ। लेकिन यूजुअली मैं ना 1.5 से 2 स्पून शक्कर के डालती हूँ, लेकिन मैं आज सिर्फ 1 स्पून ही शक्कर का डाली हूँ और पत्ती भी मैं कम ही डाली हूँ, क्योंकि चाय की जो पत्ती होती है ना, ये इंसान को ना मोटा कर दिए, तो इसलिए मैं पत्ती भी कम करी हूँ और शुगर भी कम करी हूँ, लेकिन चाय ज़रूर पी रही हूँ। तो बस चाय के साथ मैं आज का दिन एंड करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन भी बहुत अच्छा गया, डाइट भी हमारी अच्छी तरीके से हो गई है। तो देखते हैं और आने वाले 9 डेज कैसे गुजरते हैं। तो बस इसी के साथ आप लोग मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं मिलूँगी अगले वीडियो पे। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय बोलो।